तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिप्टो बेस्ड अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है कॉइन स्विच। कॉइन स्विच को एप्लीकेशन पे आप फ्री में अकाउंट क्रिएट करके विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी AMC, इस एप्लीकेशन के थ्रू अपनी क्रिप्टो की जर्नी शुरू कर सकते हो। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, बिटकॉइन बाय कर सकते हो, इथेरियम बाय कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी लिस्टेड क्रिप्टो करेंसी है उसमें ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ ही आपको इस एप्लीकेशन पे अभी के टाइम में बेस्ट रेफरल प्रोग्राम देखने को मिलता है, जहाँ पर आप इस एप्लीकेशन को रेफर करके सिंगल रेफरल पे 400 रुपीज इजिली अर्न कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ कि यहाँ पर आपको कॉइन स्विच एप्लीकेशन पे कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे इस एप्लीकेशन पे आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे और कैसे आप इस एप्लीकेशन को शेयर करके रेफर करके पैसे कमाएंगे, और मैंने इस एप्लीकेशन पे अभी तक कितनी अर्निंग जनरेट करी है, सारी चीज़ वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। और वीडियो में बनने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिमाइंडर है, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके अर्निंग से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट पा सकते हो और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। और एक्चुअली हम बात कर लेते हैं कॉइन स्विच एप्लीकेशन के बारे में। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, कॉइन स्विच पे फ्री में अकाउंट ओपन करने की जो लिंक है आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसा आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर बस आपको देखने को मिल जाएगा कॉइन स्विच बिटकॉइन एंड इथेरियम एप्लीकेशन। बात करें इस एप्लीकेशन की रेटिंग की तो 4.2 की रेटिंग है और यहाँ पर 10 मिलियन प्लस इस एप्लीकेशन का अभी तक डाउनलोड हो चुका है। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, इंस्टॉल पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। जैसे एप्लीकेशन आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, आपको सिंपली करना क्या होगा, ओपन पे क्लिक करना होगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद से परमिशन को अलाउ करना होगा। परमिशन को अलाउ करने के बाद से एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली करना क्या होगा, गेट स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। ऊपर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, वेरीफाई नंबर पे क्लिक करना होगा। वेरीफाई नंबर पे क्लिक करने के बाद से आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और यहाँ पे जो OTP है ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट को ऐड करने का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ फिंगरप्रिंट को ऐड भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। देन आपको इस एप्लीकेशन का एक 4-digit का पिन क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे 4-digit पिन क्रिएट करने के बाद से आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाएंगे और देन आपको देखने को मिल जाएगा वेलकम टू कॉइन स्विच, और उसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा टोटल 4 स्टेप। तो यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल 4 स्टेप देखने मिलते हैं, जहाँ पर आपको अपना KYC कंप्लीट करना होगा, बैंक डिटेल कंप्लीट करना होगा, आपको अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा, जो आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, कंप्लीट KYC पे क्लिक करना होगा। कंप्लीट KYC पे क्लिक करने के बाद से आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको KYC कंप्लीट करने के लिए 2 ऑप्शन देखने मिलते हैं, एक्सप्रेस KYC का ऑप्शन और मैनुअल KYC का ऑप्शन। तो जिन लोगों का आधार कार्ड उनके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है उन्हें सिंपली करना क्या होगा, मैनुअल KYC सेलेक्ट करना होगा, और जिन लोगों का आधार कार्ड उनके मोबाइल नंबर से लिंक है उन्हें सिंपली करना क्या होगा, एक्सप्रेस KYC वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, एंटर आधार पर क्लिक करना होगा। एंटर आधार पर ऐसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, देन आपको कुछ इस तरह स्पेस देखने मिल जाएगा। आपको सिंपली बॉक्स को चेक करके ऑथेंटिकेट आधार पर क्लिक कर देना होगा। ऑथेंटिकेट आधार पर क्लिक करने के बाद से नेक्स्ट पेज पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा, कैप्चा एंटर करना होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। देन आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, आपको OTP वेरीफाई करके कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। एक 6-digit की पिन क्रिएट करनी होगी। पिन क्रिएट करने के बाद से अगेन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, परमिशन को अलाउ करना होगा। परमिशन को अलाउ करने के बाद से आपको सिंपली थोड़ी देर वेट करना होगा। देन आपको नेक्स्ट पेज पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा और फेच पे क्लिक कर देना होगा। जैसे फेच पे क्लिक करेंगे आपके पैन कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा, आपको सिंपली थोड़ी देर वेट करना होगा। देन आपको अपनी सेल्फी क्लिक करने के लिए कैमरे की परमिशन को इनेबल करना होगा, कैमरे से फोटो क्लिक करनी होगी। कैमरे से फोटो क्लिक करने के बाद से आपका KYC जो है कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना होगा, सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद से आपके ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, आपको सिंपली OTP को एंटर करके अगेन सबमिट पे क्लिक करना होगा। OTP वेरीफाई करने के बाद से आपका जो 4th स्टेप है कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुल का मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली डन पे क्लिक करना होगा। डन पे क्लिक करने के बाद से 2nd स्टेप में आपको अपने बैंक डिटेल को वेरीफाई करना होगा। उसके लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐड बैंक डिटेल पे क्लिक करना होगा, बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना होगा, री एंटर करना होगा, IFC कोड एंटर करना होगा, टाइप ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करना होगा, जो आपका अकाउंट है सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, और ये डिटेल एंटर करके अगेन आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद से आपके ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, आपको यहाँ पे OTP वेरीफाई करना होगा। OTP वेरीफाई करने के बाद से जो बैंक डिटेल ऐड करने का प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने अकाउंट के अंदर फंड ऐड करना होगा। उसके लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, डिपॉजिट INR पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आप 100 rupees भी ऐड करके अपना 4th crypto बाय कर सकते हैं, जिससे जो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और देन आप इस एप्लीकेशन पे अर्निंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, अमाउंट एंटर करना होगा, डिपॉजिट पे क्लिक करना होगा।
डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको अभी के टाइम में दो ऑप्शन देखने मिल जाएंगे, जो कि इससे पहले सिंगल ऑप्शन आपको देखने मिलता था बैंक ट्रांसफर का। अभी के टाइम में आप इस एप्लीकेशन पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद से यूपीआई के थ्रू बिजली पैसे को ऐड कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, यूपीआई सेलेक्ट करना होगा। यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद से आपको अपना यूपीआई हैंडल एंटर करना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर नीचे एंटर करके रखा है। आप अपने फोन पे, गूगल पे या पेटीएम का किसी का भी यूपीआई हैंडल एंटर कर सकते हो। और यहाँ पर आपको सेम बैंक अकाउंट का यूपीआई हैंडल एंटर करना है, जो कि बैंक अकाउंट आपने यहाँ पर लिंक की है, तभी हमें पैसा ऐड होने वाला है। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, यूपीआई हैंडल ऐड करके पे पे क्लिक करना होगा। पे पे क्लिक करने के बाद से आप जिस भी एप्लीकेशन का यूपीआई हैंडल एंटर करेंगे उस एप्लीकेशन पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे गूगल पे का एंटर किया था। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको अपना यूपीआई पिन एंटर करके हमें पैसे को ऐड कर लेना होगा। तो यहाँ पर हमने फंड को ऐड कर लिया है, यहाँ पर प्रोसेसिंग वाला पेज आपको देखने मिल जाएगा। तो आपको यहाँ एटलीस्ट 15 मिनट का वेट करना होगा, जो पैसा है ऐड हो जाएगा। अगर करंट टाइम में अपडेट नहीं होता है तो देन आपको सिंपली करना क्या होगा, ओके पे क्लिक करना होगा। ओके पे क्लिक करने के बाद से जैसा पेज को रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा जो फंड ऐड करने का प्रोसेस जो है इनिशिएट हो गया है। आपको सिंपली थोड़ी देर वेट करना होगा। मेरे अकाउंट के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे 751 रुपीज़ मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखे हैं, क्योंकि मैं इस एप्लीकेशन पे ट्रेडिंग करता हूँ, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता हूँ और वहाँ से पैसे कमाता हूँ। लेकिन आपको इसके लिए अपने अंदर स्किल को डेवलप करना होगा। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, फंड ऐड करने के बाद से बैक आना होगा। बैक आने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, नीचे आपको मार्केट पे क्लिक करना होगा। मार्केट पे क्लिक करने के बाद से आपको कुछ इस तरह स्पेस देखने मिल जाएगा। तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई से भी क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बिटकॉइन सेलेक्ट करना चाहता हूँ। सिंपली आपको बिटकॉइन सेलेक्ट करना होगा, देन आपको नीचे यहाँ पर बाय पे क्लिक करना होगा। बाय पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, अमाउंट एंटर करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर 100 रुपीज़ एंटर कर रहा हूँ। अमाउंट एंटर करने के बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, बाय बीटीसी पे क्लिक करना होगा। जैसे बाय बीटीसी पे क्लिक करेंगे यहाँ जो आपका ऑर्डर है प्लेस हो जाएगा। इस तरह से आप 100 रुपीज़ ऐड करके अपना फर्स्ट क्रिप्टो बाय कर सकते हैं। देन आपको सिंपली करना क्या होगा, गो टू पोर्टफोलियो पे क्लिक करना होगा। जैसे आप गो टू पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे आपको देखने मिल जाएगा आपके एसेट्स के अंदर यहाँ क्रिप्टो करेंसी ऐड हो चुका है। तो ये तो होगा इस एप्लीकेशन पे कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है फर्स्ट क्रिप्टो बाय करके। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कैसे आप इस एप्लीकेशन को शेयर करके, रेफर करके पैसे कमाएंगे। तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको नीचे रिवॉर्ड पे क्लिक करना होगा। रिवॉर्ड पे क्लिक करने के बाद से आपको देखने को मिल जाएगा रेफरल वाला पेज, और सबसे ऊपर आपको मेरी अर्निंग्स हो रही होगी, जो कि यहाँ पे 38,974 रुपये है, जो कि मैंने इस एप्लीकेशन पे अभी के टाइम में रेफरल के थ्रू ऑन किया है। क्योंकि इस एप्लीकेशन पे आपको सिंगल रेफरल पे 400 रुपीज़ देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर नीचे भी क्लियरली मेंशन किया गया है। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर कॉइन स्विच को शेयर करने के लिए, रेफर करने के लिए शेयर पे क्लिक करना होगा। और यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करने का, रेफर करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो सेम पेज पे आपको यहाँ पर गिफ्ट कूपन को रिडीम करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो गिफ्ट कूपन आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो यहाँ आपको 100 रुपीज़ का बिटकॉइन फ्री में देखने को मिलता है। और जो कूपन की डिटेल होगी आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और नीचे आपको देखने को मिल जाएगा योर रिवॉर्ड का ऑप्शन, तो जो भी आप यहाँ पर अर्निंग जनरेट करेंगे आपको कूपन के फॉर्म में देखने को मिलेगा। आपको सिंपली करना क्या होगा, कूपन पे क्लिक करके इसे स्क्रैच करना होगा और अपनी अर्निंग को विड्रॉ करना होगा। और जो भी आप यहाँ पर कूपन स्क्रैच करेंगे उसकी जो अर्निंग होगी आपके पोर्टफोलियो में बिटकॉइन के फॉर्म में यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, बिटकॉइन से रियल कैश में कन्वर्ट करने के लिए बिटकॉइन पे क्लिक करना होगा, सेल पे क्लिक करना होगा। सेल पे क्लिक करने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर करना होगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे 100 रुपीज़ का बिटकॉइन सेल करना चाहते हैं, सिंपली आपको अमाउंट एंटर करना होगा। और यहाँ जो आप अमाउंट एंटर करेंगे बिटकॉइन के फॉर्म में एंटर करेंगे, जैसे कि 0.0017 मैंने एंटर करी है, देन आपको सिंपली करना क्या होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, सेल बीटीसी पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सेल बीटीसी पे क्लिक करेंगे जो आपका ऑर्डर है प्रोसेस हो जाएगा। आपको सिंपली थोड़ी देर वेट करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर बिटकॉइन को सेल कर दिया। आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना होगा, गो टू पोर्टफोलियो पे क्लिक करना होगा। जैसे आप गो टू पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे आपको देखने को मिल जाएगा जो बिटकॉइन का अमाउंट यहाँ पर कम हो चुका है एज कम्पेयर टू प्रीवियस। देन अगर आप बैक आएंगे, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद से स्क्रॉल करके आपको नीचे आना होगा, वॉलेट पे क्लिक करना होगा। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद से आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 920 रुपीज़ तो होने लग गया है, जो कि इससे पहले 700 रुपीज़ के अप्रॉक्स था। तो यहाँ पर जो अमाउंट है ऐड हो चुका है, जैसे कि आपने बिटकॉइन को सेल किया है। इसे विड्रॉ करने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, विड्रॉ पे क्लिक करना होगा। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद से आपको अमाउंट एंटर करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 100 रुपीज़ विड्रॉ करना चाहता हूँ, सिंपली अमाउंट एंटर करके विड्रॉ पे क्लिक कर दूंगा। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपको बैंक अकाउंट को कन्फर्म करना होगा, अगेन कन्फर्म पे क्लिक करना होगा। आपको अपनी पिन एंटर करनी होगी और देन आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, आपको सिंपली वो ओटीपी वेरीफाई करना होगा और जो विड्रॉल का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अभी के टाइम में कॉइन स्विच पे फ्री अकाउंट क्रिएट करके अपनी क्रिप्टो की जर्नी शुरू कर सकते हो। और साथ ही आप इस एप्लीकेशन के रेफरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके पर रेफरल 400 रुपीज़ इजिली अर्न कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। और हम मिलते हैं कैसे वीडियो साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।